नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सटर कटवा गिरोह ने आतंक राजधानी पटना में मचा रखा था, जिसको कि जक्कनपुर थाने की सहयोग से कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने तीन साथी सटर कटवा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सदर ASP स्वीटी सहरावत ने साफ तौर पर बताया है कि ये सटर कटवा गिरोह के सदस्य अंतर्राज्यीय गिरोह हैं, जो कि लगातार राजधानी पटना में सक्रिय थे और बीते कई महीनों से इन्होंने कई मोबाइल दुकानों को अलग अलग थाना क्षेत्रों में निशाना बनाया था और वहां से मोबाइलों की चोरी कर फरार हो गए थे, जिसकी सूचना पर पटना पुलिस ने इन साथी सटर कटवा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आइए सीधे शुरुआत है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ जानकारी दे रही है पटना के सदर ASP स्वीटी सहरावत। ये जक्कनपुर थाना में 30/8/23 को एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात चोरों द्वारा एक दुकान का शटर काट के फ़ोन चोरी किए गए थे। उसमें एक अभियुक्त जो है पहले ही गिरफ्तार होके 10/9/23 को जा चुका था। उसी के कन्फेशन में और अभी के अनुसंधान में एक अभियुक्त को और गिरफ्तार किया गया है, जिससे कुल 10 मोबाइल फ़ोन और एक टैबलेट जो है वो बरामद किया गया है। साथ ही जो 10 मोबाइल फ़ोन इसके पास से बरामद हुए हैं, वो दूसरे दूसरे थाना क्षेत्र में जो है उनके कांड जो हैं दर्ज हैं। जैसे जो गोलू कुमार, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसका SKपुरी में, शास्त्री नगर में, मेहंदीगंज में और बिहार नालंदा थाना में भी आपराधिक इतिहास है। और इसका जो मोडस था वो यही रहता था कि जो फ़ोन की दुकान है उनको ये टारगेट करते थे, उसका शटर काट के वहाँ से फ़ोन चुराते थे और उसको फिर कम दाम में जो है मार्केट में बेचते थे। इसमें जो है एक जो रोहित पहले जिसको गिरफ्तार करके भेजा गया है वो, और गोलू कुमार, इसमें अभी आगे के अनुसंधान में कुछ नाम और आ रहे हैं, उस पर भी हम लोग छापेमारी और कार्रवाई कर रहे हैं और अनुमानित है कि उन लोगों से भी और फ़ोन जो है बरामद किए जाएंगे। इसमें जैसे कि बताया हमने, जो गोलू कुमार जिसको अभी हमने अरेस्ट किया है, उसका 4 थाना में आपराधिक इतिहास है और 3 थाना में जो है वो वांछित चल रहा था, SKपुरी, शास्त्री नगर और मेहंदीगंज थाना में। और SKपुरी में इसी के कन्फेशन में या इस अनुसंधान में जो है एक और व्यक्ति को जो है वहाँ पर SKपुरी में गिरफ्तार किया गया है और उससे भी फ़ोन जो है जो चोरी किए गए थे शटर काट कर ही वो बरामद किए गए हैं। दुकानों को ये टारगेट करते हैं, ये फ़ोन की दुकानों को जो है मेनली टारगेट करते हैं। वहाँ पे जो आपका शटर काट के जो बता रहे हैं हम, शटर काटता है वहाँ पे फ़ोन चुराते हैं और उनको जो है फिर औने पौने दामों में ग्राहकों को बेचता है। ये हमारे पास 272/23 एक कांड है, 6 महीने में दर्ज हुआ था SKपुरी में, उसमें इनकी संलिप्तता है और उसके वहाँ पे जो फ़ोन चोरी हुआ था वो भी इसके पास से बरामद हुआ है। इसमें अभी 3-4 लोग और हैं, हम लोगों को लग रहा है और बड़ा गिरोह ये है, जिसका तुरंत ही हम लोग जो है बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर। ये इसका जो वादी है उन्होंने हमें अभी तक जो है 30 फ़ोन का जो है लगभग IMEI नंबर अपना दिया है, जिसमें से 6 या 7 के करीब हम लोग जो है रिकवर कर चुके हैं और बाकी जो उनका IMEI उन्होंने दिया है उनको एक बार वेरीफाई भी किया जा रहा है। कहाँ का है ये अभी उसका हम लोग अपना देख रहे हैं, उसका IMEI वगैरह रन करके जाता है। ये एक खुद ही जो है एक तरीके से उसका यूज़ करते हुए कि ये हमारा ही सेकेंड हैंड फ़ोन है, किसी आदमी को जो कम दाम में ख़रीदना चाहता है उसको जो है अगर मान लीजिए 30,000 का फ़ोन है तो उसको 4-5,000 में बेच देते हैं। वो अभी हम लोग उस चीज़ पे अनुसंधान कर रहे हैं कि कहाँ इनके द्वारा रखा जाता है और इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। केवल जिले में सीमित है या जिले से बाहर? कब से एक्टिव था ये? काफ़ी समय से एक्टिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो इनके ऊपर जो मेहंदीगंज में है वो 2022 का एक कांड है जिसमें ये वांछित चल रहा था और साथ ही इनका बिहार नालंदा में भी जो है एक ऑलरेडी केस इनका रजिस्टर्ड था। तो ये इसका अभी हम आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाएंगे, हम लोगों के पास SKपुरी का है, बाकी थानों से भी हमने संपर्क किया था। उसका आपराधिक इतिहास अभी कहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि ऑनलाइन बेचा करते या नहीं थे, लेकिन वैसे जो सस्ते में जो फ़ोन खरीदना चाहते हैं उन लोगों को ये टारगेट बनाते थे, जो पेपर्स नहीं चाहते हैं फ़ोन का या फिर
एक लो अमाउंट में फोन जो है स्मार्टफोन चाहते हैं उन लोगों को। ये आप अभी नहीं, अभी इस पे बात करते हैं। एस के पुरी का हमारे पास पूरा डिटेल नहीं है, वो भी शेयर कर दिया जाएगा। कुमार को जकनपुर थाना से गिरफ्तार किया गया है और इसी में अनुसंधान के क्रम में आगे जो है दूसरे थाना क्षेत्रों में गिरफ्तारी हुई। बात है पटना के जकनपुर थाना के बी एरिया इलाके में बीते 30 अगस्त को ये सातिर सटक कटवा चोर गिरोह के सदस्य कहीं न कहीं बीती रात्रि को घटना को अंजाम देकर फरार हुए थे। लगभग 30 मोबाइल और एक टैबलेट को चोरी कर फरार हुए थे, जिस मामले में 10 मोबाइल और एक टैबलेट बरामद किया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस मामले में 3 आरोपी सातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।